19 नवंबर 2021 ये वो तारीख थी जब पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने ऐलान किया कि वे किसानों की मांगों को मानने को तैयार है। साथियों, देशवासियों से क्षमा मांगते सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए गए प्रकाश से सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आप पूरे देश ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसानों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। किसानों की मांगे पूरी होंगी लग ही रहा था कि किसानों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। किसानों ने फिर धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और अब तो किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। हाँ बिल्कुल, हम जा रहे हैं दिल्ली और पूरे देश भर का किसान जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे के वाले सभी संगठन पूरी ताकत के साथ सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं। पूछेंगे सरकार से कि एक साल से ऊपर का समय हो गया, एक साल से ऊपर आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, आपने वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया, तो इसके लिए संसद की तरफ किसान जा रहे हैं। तो अगली रणनीति क्या होगी? हाँ, अगली रणनीति संयुक्त मोर्चा जो आदेश करेगा वो मानने की हम पूरी तैयारी में हैं। किसानों में उत्साह पूरी ताकत के साथ दिल्ली किसान जाएगा। और दिल्ली संसद वही संसद कूच करेंगे, बिल्कुल। सभी बड़े नेता नहीं, देश के किसान और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता से उस सब के आह्वान पे काम किया जा रहा है। 20 मार्च को फिर से देश भर के किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है। इसकी रणनीति करनाल में बैठक कर तैयार की गई है। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कर ये तय किया गया है कि 20 मार्च को किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच के दौरान किसानों की MSP समेत कई मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी। जो सरकार ने जो वादे किए थे, लिखित समझौता हुआ सभी जानते हैं, लेकिन किसी भी वादे पर, किसी की भी किसान की डिमांड पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। सरकार बेसब्री पर आई हुई है। सरकार को अपने किए हुए वादे याद दिलाने के लिए दोबारा फिर 20 मार्च को किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। पूरे देश के किसान इकट्ठा हो गए, क्या करें और मजबूरी में, जबको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 13 महीने आंदोलन किया, सारी जो डिमांडे थी तीन काले कानून से अलग, एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई, एक भी डिमांड। तो मरता क्या नहीं करता। तो 20 मार्च को किसान दिल्ली जाएंगे और संख्या असंख्य किसान जाएंगे, लाखों लाखों की संख्या में किसान जाएंगे। दिल्ली दुवाला हमारे साथ बेनिशापी हुई है किसान के साथ। तो 13 महीने वहाँ बैठ के चले आए किसान, उन्होंने लिखा था भाई मैं एक कमेटी बनाऊंगा और आपकी जितनी बात होगी मान ली जाएगी। आज थोड़ी ना कोई कमेटी बनी, ना कोई किसान बुलाया बिल्कुल भी, और मजबूरी में हो गया किसानों ने। 750 किसान शहीद हुए वहाँ, बाजे बाजे में कल्ला बच्चा था, तो उनकी आत्मा क्या कहेगी, सरकार को भी नहीं किसान को भी। हम तो परमात्मा का भी उनकी आत्मा को शांति देवा, उसको सद्बुद्धि देवा और इस प्रधानमंत्री को भी सद्बुद्धि देवा कि भाई किसानों की बात सुने जाए बैठ के, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही किसानों के ये आरोप भी है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसको लेकर किसान अब एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े देश भर के किसान अब 20 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे और सरकार से MSP समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। देखना यही होगा कि इस बार किसानों और सरकार के बीच अपनी मांगों को लेकर किसान कब तक सहमति बना पाएंगे। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज 18 हरियाणा।